सितारे मुश्किल में है तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह भी मुश्किलों में फंस गए हैं। लंदन की रहने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी ने सरदार पर शादी का झांसा देकर शारीरिक रिश्ते बनाने का आरोप लगाया है। FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन परिवार वाले इसके पीछे साजिश बता रहे हैं। जिसे सरदार अपना हमसफर बनाने वाले थे, उसी ने उन पर हड़कंप मचाने वाले आरोप जड़ दिए हैं। जरा सुनिए सरदार की मंगेतर के संगीन इल्जाम। I've been in a relationship with Sardar Singh for the last 4 years. I've been engaged to him for 2 years. He proposed to me in the year of 2014, and then our engagement was consolidated when I visited his native village Santhanagar in October 2014. After engagement, Sardar pressurized me to be in a physical relationship. सरदार की मंगेतर की माने तो लंदन में ओलंपिक के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, तब से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। अगस्त 2014 में दोनों की सगाई भी हुई। सरदार ने शारीरिक रिश्ते भी बनाए। प्रेग्नेंट होने पर सरदार ने एबॉर्शन करवाने का दबाव डाला। एबॉर्शन के बाद सरदार ने शादी से भी इनकार कर दिया। सरदार को सवालों के कटघरे में खड़ा करने वाली लड़की भी खुद इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है, लेकिन सरदार ने इन तमाम आरोपों को गलत बताकर खारिज कर दिया है। क्या मंगनी हुई थी आपसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको जरूर, जो आपके क्वेश्चंस हैं, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू। सरदार के परिवार वाले भी इन आरोपों के पीछे साजिश बता रहे हैं। ये आरोप सब बेबुनियाद है, झूठे हैं बिल्कुल। यह कोई गल नहीं, बच्चा गेम खेलता है, लोगों का उन्होंने भड़काने वाल ध्यान है। बाकी जी तुम एंगेजमेंट की गल करते हो, सिरे खबर सुनी है, योजी कोई गल नहीं, साढ़े सामने कोई गल नहीं। योजी ये साजिश है या फिर इसमें सच्चाई है, ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन इतना तो साफ है कि दोनों एक दूसरे के करीब थे, लेकिन ये नजदीकी किस हद तक थी, ये देखने वाली बात। सिरसा से विजय जसूजा के साथ आज तक ब्यूरो। जींद में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर आ रही है। SFI और ABVP यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच